देखिए, कांग्रेस जो है वो मोदी को हराना चाहती है, लेकिन इलेक्शन आने से पहले ही कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। हाल कांग्रेस का बुरा है और ऐसा ही तीन झटका अभी लगा है। झटका लगे तो लगे, लेकिन कांग्रेस का जो प्रचार भी हो रहा है ना, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों ने जैसे प्रचार किया है, कांग्रेस के चरित्र के ऊपर, कांग्रेस के मंशा के ऊपर लोगों को अब थोड़ा अटपटा सा हो रहा है कि ये कांग्रेस शायद सही में गलत पार्टी है, ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हाल ही में तीन नेताओं ने इस्तीफा दिया है और जिनमें से दो नेता स्पष्ट रूप से कांग्रेस के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जिससे कांग्रेस को हानि होना तय है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह, गौरव वल्लभ और संजय निरुपम, ये तीनों नेता ने एक बाएक एक झटके में इस्तीफा दे दिया। अभी कांग्रेस क्या गेम खेली थी संजय निरुपम के साथ में, जिन्होंने इस्तीफा दिया। दरअसल मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं, वो हैं अभी अध्यक्ष कांग्रेस के, तो उनकी तरफ से एक लिस्ट जारी हुआ जिसमें ये कहा गया था कि जो कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम, इनको बर्खास्त किया जाता है 6 सालों के लिए, पार्टी से हटाया जाता है 6 सालों के लिए। लेकिन उसके बाद जो संजय निरुपम हैं, उनका एक सोशल मीडिया पे बात आती है जहां पे संजय निरुपम ये दावा करते हैं कि देखो, ये जो खागरे बोल रहे हैं वो गलत है, मैंने खुद कांग्रेस को इस्तीफा दिया और जब ही इस्तीफा उनके यहां पहुंचा, इसको देखते ही खागरे ने हमको सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए, यानी पार्टी से मुझे निकाला नहीं गया। संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि पार्टी से मुझे निकाला नहीं गया, बल्कि मैं खुद निकला हूं, और क्योंकि कांग्रेस की बेइज्जती ना हो, इसीलिए उसने हमारा रेजिग्नेशन लेटर देखते ही मुझे निकाल दिया। ये आप देख रहे हो यहां पे गेम कैसे चल रहा है। लेकिन आगे जो मैं एक नेता के बारे में अभी बताऊंगा, यहां पे और ज्यादा झटका लगेगा आपको। बात करते हैं गौरव वल्लभ की, जिन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा दिया और अभी बीजेपी के साइड चले गए हैं। ये क्या कह के इस्तीफा दिए आपको पता है? इन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस में अभी हो रहा है, क्योंकि मैं हिंदू हूं, कर्म से मैं शिक्षक हूं, लेकिन कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी हो रही है, ये जो कांग्रेस पार्टी है जो स्टैंड पर खड़ी है, इससे मैं हमेशा असहज रहा हूं। साथ ही साथ ये गठबंधन को लेकर के भी बोले कि जो पार्टी गठबंधन कर रही है, कांग्रेस गठबंधन सबसे कर रही है, इनमें ऐसे भी लोग हैं जो कि हिंदू धर्म को अनुचित बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात को दबा दे रही है, बोल रहे हैं बोलने दो, कांग्रेस इस पे कुछ नहीं कर रही बल्कि उनका साथ दे रही है। तो इनका, गौरव वल्लभ का कहना है कि मैं किसी भी कीमत पर हिंदू विरोधी गाली नहीं दे सकता हूं और इसीलिए ये हट रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, और इस्तीफा दे दिए इन्होंने। अब आप देख रहे हो कांग्रेस के खुद के नेता ही ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। साथ ही साथ एक और नेता जिनका नाम है गौरव वल्लभ, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, कुछ इसी प्रकार असहज महसूस कर रहे हैं ये भी। यानी कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस गठबंधन पे गठबंधन कर रही है और जीतने का प्रयास कर रही है। एक और नेता जो कि पहले इस्तीफा दे दिए थे, इन तीनों इस्तीफाओं को लेकर के कांग्रेस पे तंज कसे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि मैंने कहा था ना कि सनातन का श्राप ले डूबेगा, आप समझ रहे हो। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जब पार्टी से इस्तीफा दिए थे तो यही बात बोली थी, जबकि ये बहुत वरिष्ठ वहां के कांग्रेस के थे नेता, पर इन्होंने यही बात बोली थी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी जा रही है, जो हिंदू विचारधारा है, जो सनातन विचारधारा है, इससे हट करके जा रही है, जो कि अनुचित है। तो जब इतने सारे नेता बोल रहे हैं हिंदू विरोधी सनातन विरोधी, तो क्या आपको लगता है कि इस बात में सच्चाई है कांग्रेस
कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको बताते रहें कुछ। नाम है अंकित सिंह। राम राम।